ये पर्सनलाइज पूल है जिसमें आप इसको पर्सनलाइज एज ए कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। ये 6x4 का ऑप्शन है, इट्स अ बिल्ट इन टब, 5% 6% बैठ के एज ए कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। इसमें ये हैंड शावर आ जाएगा, इसके अंदर ये फिलिंग सिस्टम के ऑप्शन आ जाएंगे, देन वी हैव अ कंट्रोल सिस्टम, बैठने के लिए आपकी सिटिंग अरेंजमेंट दिया है, यहाँ बैठ के आप कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे द हैंड शावर, यहाँ से आप इसका फिलिंग सिस्टम करेंगे। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट लाइक दिस कि जब आप इसमें एंटर करेंगे, एक वो आज के डेट में क्लाइंट क्या करते हैं कि जिम एरिया बनाते हैं, तो जिम एरिया के अंदर एक ऐसे कॉन्सेप्ट लगा दिया जिसमें यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन के अंदर अगर हम बात करेंगे तो 3-4% बैठ के यहाँ पे एज ए स्टीम कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं और 2% यहाँ बैठ के एज ए सोना को यूज़ कर सकते हैं। कंपनी के जो है अपने चैनल पार्टनर्स होते हैं जो हम दिल्ली NCR ऑल ओवर इंडिया लेवल पे हम काम कर रहे हैं एज ए कंपनी। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शुभमर, आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड, वेलकम टू एसटेक 2022 का। और आज मैं आपको लेकर आ गया हूं एक ऐसे कंपनी के स्टॉल पर जो लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं और साथ ही UPVC डोर्स एंड विंडोज मैन्युफैक्चर करते हैं। आज इन्हीं से बात करने वाले हैं, आपको अगर इन प्रोडक्ट्स की नीड है या इस तरह की बिजनेस में आप आना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो हेलो सर, कैसे हो आप? हाय अरविंदर गेरा, इंट्रोडक्शन देंगे अपना सर। मायसेल्फ अरविंदर गेरा, ओस्टर स्टॉल पे आप हैं, मोस्ट वेलकम आपका। हाँ जी सर, प्लीज कंपनी के बारे में बताइए सर। कंपनी बेसिकली जो ओस्टर कंपनी है हमारी, ये बेसिकली इट्स इंडियन कंपनी, हमारा गाजियाबाद में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, 2003 बेस्ड कंपनी है हमारी, 2003 से हम एस्टेब्लिश हैं इंडिया के अंदर। और हमारा जो बेसिकली कोर प्रोडक्ट्स में हम बात कर रहे हैं तो वेलनेस हमारा एक सेगमेंट है, प्लस UPVC डोर्स एंड विंडोज भी अभी हमारे सेगमेंट, वो भी हम लेके चल रहे हैं। दो सेगमेंट है हमारे पास। Yes. और यहाँ पर काफ़ी प्रोडक्ट आपने शोकेस किए हैं सर, प्रोडक्ट्स के बारे में देख लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटीज़। बिल्कुल, प्रोडक्ट्स के बारे में देखेंगे तो जैसे अगर हम स्टार्ट करें इस प्रोडक्ट्स को लेके, ये बेसिकली हमारा एक फ्री स्टैंडिंग बाथटब्स है, फ्री स्टैंडिंग बाथटब्स बोलते हैं इसको, सेंटर ऑफ द बाथरूम्स के अंदर आप इसको लोकेट कर सकते हैं कि लाइक अगर आपका बिगर साइज का बाथरूम है तो उस बाथरूम के अंदर हम इसको प्लान कर सकते हैं, इसको फ्री स्टैंडिंग बाथटब्स बोलते हैं, ये चीज़ है। इसके अंदर फिर हमारे पास जकूजी के ऑप्शंस आ जाएंगे, देन वी हैव अ स्पा टब्स, देन वी हैव अ पूल, अलग अलग प्रोडक्ट है, मैं आपको रेंज इसमें भी साइजेस भी अलग अलग, इसमें साइजेस का ऑप्शन रहता है, इसमें सिंगल सीटर का ऑप्शन होता है, फिर इसमें ट्विन सीटर का ऑप्शन रहेगा इसके अंदर। अब जैसे एक ये ऑप्शन है, ये हमारा बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट है, ये चीज़ है जो हमने अभी एग्जीबिशन में इसको लॉन्च किया, इट्स अ डी शेप, यू कैन से इट्स लाइक, अगर आप शेप देखेंगे तो ये डी शेप वाला एक ऑप्शन आ गया शेप का, ये चीज़ है विद जकूजी एंड ऑल दैट, जकूजी के फीचर्स। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आपने आइटम्स लगाए हैं, बेसिकली इट्स अ फिलर सेट, इसमें ये हैंड शावर आ जाएगा, इसके अंदर ये फिलिंग सिस्टम के ऑप्शंस आ जाएंगे, देन वी हैव अ कंट्रोल सिस्टम हाउ टू ऑपरेट लाइक उस तरीके से, ये चीज़ है। यहाँ पर आप बैठे हो डायरेक्टली यहीं से आप कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, यहीं से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, इट्स अ न्यू अराइवल बेसिकली। ये अभी अराइवल ही है? ये बिल्कुल अराइवल है। तो ये बाथटब्स हैं, ये स्पेशली हमने डिज़ाइन किया है कि लाइक जैसे एक ओल्ड एज तरीके से अगर आप बात कर लो, या बाई चांस जब किसी के यहाँ पे न्यूली बॉर्न बेबी हैं तो एज ए फीमेल एज ए मदर उनको अपने साथ में किड्स को लेके यूज़ कराना है कॉन्सेप्ट को, या अगर ओल्ड एज के हिसाब से जैसे कहीं को लगता है कि फोबिया रहता है कि नहीं यार मैं गिर ना जाऊँ समथिंग लाइक, तो आजकल टेस्ट है लोग लाइक अगर हम ओल्ड एज के अंदर भी बात करें तो ऐसा नहीं कि वो चीज़ें यूज़ नहीं करते, वो भी परफेक्टली आज की डेट में हेल्थ को लेके कॉन्शियस हैं, और वो जकूजी कॉन्सेप्ट वगैरह, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग लाइक वर्ल्ड वाइड ये काफ़ी कॉन्सेप्ट चलता है, इंडिया में अभी हमने इसको लॉन्च किया एज ए कॉन्सेप्ट। डोर भी डोर है, इसको आप डोर स्लाइड करके अंदर आप बैठने के लिए आपकी सिटिंग अरेंजमेंट दिया है, यहाँ बैठ के आप कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे द हैंड शावर, यहाँ से आप इसका फिलिंग सिस्टम करेंगे। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट लाइक दिस कि जब आप इसमें एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद आप इसकी फिलिंग स्टार्ट करेंगे, वाटर फिल हो गया इसके अंदर, आप इसको एज ए कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं, जब तक आप सारा ड्रेन आउट नहीं कर देंगे वाटर तब तक ये डोर नहीं खुलेगा। ये लॉक्ड हो गया एक बार डोर हमने इसको लॉक कर दिया, अब ये डोर खुल नहीं सकता, अगर इसमें वाटर है तो ये डोर नहीं खुलेगा। सो ये पूरी तरह से वैक्यूम क्रिएट कर देता है, आप पानी आर पार नहीं जा सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिसके अंदर हम यहाँ पे जो प्रेजेंट कर रहे हैं एज ऑफ राइट नाउ इस कॉन्सेप्ट के अंदर, हमने यहाँ पे शावर हमने प्रेजेंट किया है, शावर विद ड्रायर। शावर विद ड्रायर के अंदर अगर हम बात करेंगे तो पूरी इंडस्ट्री में किसी भी कंपनी के पास ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं आता, कोई कंपनी आपको शावर विद ड्रायर नहीं दे सकती, तो शावर के अंदर ही ड्रायर प्लेस्ड है जिसके अंदर इसके मल्टीपल यूजेस हैं, एज ए ड्रायर ऑपरेट होगा, एज ए टॉवल वार्मर ऑपरेट होगा, आपको बाथरूम आपको वॉशरूम को वार्म करना है उसके लिए हो गया, ग्लास पे आपने देखा होगा मॉइस्चर आ जाता है उसके लिए हो गया, अलॉन्ग विद द बॉडी जेट्स इफेक्ट्स, द स्मार्ट टच पैड, ये हमारा एक प्रोडक्ट है स्टीम कॉलम, स्टीम से रिलेटेड है जो ये हमारा कॉलम है, ये आपका शावर एरिया के अंदर प्लेस्ड हो जाएगा जिसके थ्रू आप स्टीम ऑपरेट करके एज ए कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं, और ये पूरा ग्लास का क्यूबिकल एज ए कॉन्सेप्ट हम पूरा डेवलप करके देते हैं। फिर इसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे, जैसे ये
इन द सेंस के लिए ब्लैक कलर में है, फिर इसी में ये रोज गोल्ड का ऑप्शन आ जाएगा, सेम में रोज गोल्ड में आ जाएगा, सेम में रोज गोल्ड आ जाएगा। शावर को आपने चेंज करना है, शावर आप चेंज कर सकते हैं कि लाइक अगर आपको उतने बिगर साइज में नहीं जाना, थोड़ा छोटे साइज का शावर चाहिए, फ्लो कम चाहिए, तो वो भी ऑप्शन है। लाइक हमारे पास दो फ्लो से लेके और हमारे पास फाइव फ्लो तक के शावर्स आते हैं, तो वो बजट भी उसके अकॉर्डिंग, बजट भी उसके अकॉर्डिंगली प्ले होगा। ये चीज़ें हर तरीके की कॉस्टिंग है, मतलब लाइक अगर मैं एक बेसिक फिगर से बात करूं तो 20,000 भी से लेके और समय अराउंड 6.5 लाख रुपए तक की एमआरपी में हमारे पास 15-16 मॉडल की रेंज आती है। कुछ अलग है सर, इसके बारे में बताएंगे। ये कॉन्सेप्ट हो गया एज ए स्टीम एंड सोना का कॉन्सेप्ट है। अगेन इट्स को लाइक अगर जो हाई एंड जितने भी हाउसिंग हैं, हाई एंड जो बंगलोज बन रहे हैं, उनकी टेरेस पे लगाने के लिए एक वो आज की डेट में क्लाइंट क्या करते हैं कि जिम एरिया बनाते हैं, तो जिम एरिया के अंदर एक एज ए कॉन्सेप्ट लगा दिया जिसमें यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन के अंदर अगर हम बात करेंगे तो 3-4% बैठ के यहाँ पे एज ए स्टीम कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं और 2% यहाँ बैठ के एज ए सोना को यूज़ कर सकते हैं, स्टीम ले सकते हैं ये स्टीम कंपार्टमेंट हो गया, ये सोना कंपार्टमेंट हो गया। ये तो इस तरीके से अगर हम बात करेंगे तो लाइक ये हमारे पास एक प्रोडक्ट आ गया। अगेन हाई एंड क्लाइंट्स के हिसाब से अगर हम बात कर रहे हैं तो ये स्विमिंग पूल है, इट्स अ पर्सनलाइज पूल, ये पर्सनलाइज पूल है जिसमें आप इसको पर्सनलाइज एज ए कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। इसका साइज़ जो है वो 19 फीट है, पर 19 फीट इफ़ यू आर गुड स्विमर तो आपको ये लग सकता है कि मैं बहुत ईजिली क्रॉस कर जाऊँगा, लेकिन आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे जो वाटर का इफेक्ट है वो यहाँ से आपका फ्लोट कर रहा है, तो आपने जो स्विमिंग करनी है वो अगेंस्ट द फ्लो करनी है, तो इट इज़ जस्ट लाइक ए ट्रेडमिल, जैसे हम जिम में ट्रेडमिल यूज़ करते हैं, ये वो कॉन्सेप्ट हो गया। तो ये फ्लो भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, फ्लो भी कंट्रोल कर सकते हैं, ये चीज़ है। और ये पूरा पूरी वेव जो है वाटर के अंदर ये पूरा क्रिएट हो रहा है। और डेप्थ क्या रहती है? अप्रॉक्सीमेटली 4 फीट। फिर जैसे ये आपका पूल आ गया, इसी तरीके से ये अगर हम बात करेंगे तो ये इंडोर में लगाने के लिए, बाथरूम्स में लगाने के लिए हमारे जकूजी बाथटब्स के कॉन्सेप्ट आ गए। ये 6x4 का ऑप्शन है, इट्स अ बिल्ट इन टब जिसके अंदर अभी आप जो देख रहे हैं ये रन हो रहा है, इस समय ऑपरेटेड है, इसमें जकूजी एंड बबल बाथ इस समय ऑपरेटेड है, ये चीज़ है। फिर इसमें साइज़ का वेरिएशन रहेगा, ये ट्विन सीटर है, इसमें सिंगल सीटर का ऑप्शन भी मिल जाएंगे, अलग अलग शेप मिल जाएंगी, वो सब चीज़ें। देन फिर जैसे ये पूल है वैसे ये स्पा टब आ गया। स्पा टब्स जो हो गए ये फैमिली स्पा टब्स हैं, 5%, 6% बैठ के एज ए कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में हमारे पास ये PVC डोर्स एंड विंडोज़ के ऑप्शन आ गए। आज की डेट के अंदर वुड से लोग थोड़ा सा हटके, जो अगर आप बात करेंगे तो UPVC की तरफ लोग ज़्यादा प्रेफरेंस कर रहे हैं। UPVC एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ऐसा एक प्रोडक्ट है जो टर्माइट फ्री हो गया, मेंटेनेंस कुछ नहीं है, एक बार आपने प्रोडक्ट लगा दिया 10-20 साल वो प्रोडक्ट रन कर सकता है आपका, जीरो मेंटेनेंस के ऊपर ये प्रोडक्ट रन कर सकता है। और लुक भी जबरदस्त, लुक भी अच्छी होती है, कलर्स कंट्रास्ट आपको मिल जाते हैं इसके अंदर, वाइट एक कलर है, देन वी हैव अ 5 मोर कलर्स इज अवेलेबल इज देयर, मेरे पास इसके अंदर ग्रे है, देन वी हैव अ ब्लैक, देन वी हैव अ मोगनी, गोल्डन ओक, रस्टिक ओक, मेरे पास टोटल 6 कलर्स हैं। फिर इसमें कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, कॉन्सेप्ट वाइज बात करेंगे तो इसमें आपको स्लाइडिंग लेना है, आपको ओपनेबल लेना है, आपको 2 ट्रैक लेना है, 3 ट्रैक्स लेना है। जैसे आजकल अगर आप देखेंगे ये फैशन बाहर काफ़ी चलता था, अब यहाँ पे इंडिया में भी इसकी डिमांड आ गई है। इट्स अ वर्टिकल स्लाइडिंग, ये वर्टिकल स्लाइडिंग है, वर्टिकल स्लाइडिंग यूज़ होता है बेसिकली आपकी ब्रेकफास्ट काउंटर और आपके किचन को ब्रेक करने के लिए आपने वर्टिकल स्लाइडिंग को लगाया, तो ये वर्टिकल स्लाइडिंग हो जाता है, इसको कहीं पर भी आप होल्ड कर सकते हैं, ये चीज़ है। फिर इसके अंदर आपका ऑप्शन के अंदर अगर आप ये देखेंगे, ये एक ऑप्शन आ गया कि अगर आपके पास ओपनिंग का स्पेस, डोर ओपनिंग करने के लिए नहीं है, स्लाइड करने के लिए नहीं है, तो एक ये ऑप्शन आ गया। प्योर एयर वेंटिलेशन भी रहेगा, साथ ही दरवाज़ा आपका बंद भी है। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरीके से फिर आपका ये स्लाइडिंग के अंदर आ गया विद ग्रिल के, ग्रिल ऑप्शन के साथ, ये चीज़ है। तो इसमें अलग अलग तरीके के बहुत सारे ऑप्शंस बन जाएंगे, इसमें हम आप डोर ले सकते हैं मुझसे, आप इसमें मुझसे विंडोज़ ले सकते हैं, ये चीज़ है। शेप ले सकते हैं इसके अंदर, डिज़ाइनिंग वर्क आपका प्लाट आ जाता है इसके अंदर। जैसे अगर आप अपने बैक साइड में देखें, ये आर्क विंडो है, दैट इज़ कॉल्ड आर्क विंडो, जो उधर से नहीं नहीं बैक साइड में अगर आप देखेंगे, ये आर्क विंडो वाला ऑप्शन आ गया। यहाँ पर प्रोडक्ट तो हमने देख लिया सर, काफ़ी सारे रेंज भी है आपके पास, जैसे एज ए बिजनेस देखे, बिजनेस किस तरह से करते हैं आप? बिजनेस के अंदर लाइक हमारे कंपनी के जो हैं अपने चैनल पार्टनर्स होते हैं, जो हम दिल्ली NCR ऑल ओवर इंडिया लेवल पे हम काम कर रहे हैं एज ए कंपनी, तो हमारे कंपनी के चैनल पार्टनर्स हैं जिनके थ्रू, और हमारा अपना कंपनी का जो है ऑफिस है ओखला के अंदर, वहाँ पे हमने कंपनी का पूरा अपना लाइव डिस्प्ले सेंटर बना रखा है, ये सारे प्रोडक्ट्स वहाँ पे लाइव डिस्प्ले के अंदर लगे हुए हैं। मतलब लाइक अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ तो आप
एक सिलेक्टिव रेंज देख रहे हैं, लेकिन एक बड़ी पिक्चर की बात करेंगे तो बड़ी पिक्चर आप मेरे अपने ओखला ऑफिस के अंदर देख सकते हैं, ये चीज़ है। और थ्रू चैनल पार्टनर्स हैं हमारे ऑल ओवर दिल्ली एनसीआर में, ऑल ओवर इंडिया के अंदर हमारे चैनल पार्टनर्स हैं। तो अगर कोई आपके चैनल पार्टनर बनना चाहे, आपके साथ एज ए बिजनेस जुड़ना चाहे, क्या कुछ उनके लिए क्राइटेरिया रहेगा? लाइक क्राइटेरिया बेसिकली जो डिमांड रहती है वो आपके कहीं ना कहीं स्पेस के हिसाब से है कि कितना बड़ा स्पेस वो हमारे को दे सकते हैं, क्या लोकेशन है, मार्केट की क्या डिमांड है, उसके सारे एनालिसिस करके जो हमारी सेल्स टीम है उस पर वर्क करके और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम करते हैं। और जो ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की अगर सर्विसेज की बात करें, वारंटीज की बात करें, आफ्टर सेल सर्विसेज की, बिल्कुल आफ्टर सर्विस एंड सर्विस का पूरा बैकअप एज ए कंपनी हम प्रोवाइड करा रहे हैं। हमने कहीं पे भी कोई भी जो फ्रेंचाइजी नहीं दी है सर्विस की, सब कुछ इन हाउस हमारी अपनी सुपरविजन में काम होता है। कोई आपके इन प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है और आपसे जुड़ना चाहे, कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? लाइक वो हमारे वेबसाइट के थ्रू हमारी हो जाता है, आप बहुत सारे मीडियाज हैं, डिजिटल मीडिया हैं जिसके थ्रू वो कर सकते हैं, और नहीं तो फिर हमारे जो चैनल पार्टनर्स हैं, डीलर्स हैं, वहाँ पे कर सकते हैं कुछ चीज़ें, और नहीं तो कंपनी के टोल फ्री नंबर्स हैं उस पर वो कॉल कर सकते हैं। कुछ टोल फ्री नंबर दिखा सकते हैं? टोल फ्री नंबर मतलब वैसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, 1800102899 हमारा कंपनी का टोल फ्री नंबर है, और ओखला में हमारा कंपनी का अपना डिस्प्ले सेंटर है। अगर मैं दिल्ली के हिसाब से बात करूँ, ऑल ओवर इंडिया में हमारे मोर देन 300 डीलर्स हैं हमारी कंपनी के, हमारा बॉम्बे में हमारा ऑफिस है, कलकत्ता में है और बेंगलोर में है। तो आप ज़्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर पर आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या फिर हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं, डिस्प्ले सेंटर को आप देख सकते हैं आके, वहाँ पे वो सारी चीज़ें वहाँ देखने। सर एट लास्ट में आप अपने कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में हमारे दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे? लाइक आज की डेट के अंदर अगर आप देखें तो बेसिकली हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा लोग कॉन्शियस हो गए हैं। अगर आप पीछे अगर आप देखें तो जो कोरोना पीरियड रहा, तो कोरोना पीरियड के अंदर आपने एक चीज़ एनालिसिस करी होगी कि हर जगह पर जो एक डिस्कशन हो रहा था वो सिर्फ इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने को लेके हो रहा था। तो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने में इफ़ यू टॉक अबाउट एज ए स्टीम, इफ़ यू टॉक अबाउट एज ए जकूजी, इट्स अ वेरी हेल्पफुल प्रोडक्ट, जो बहुत एक हेल्पफुल प्रोडक्ट है इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो आई वुड सजेस्ट कि लाइक हमारे को ये इन चीज़ों को प्लान करना चाहिए। चलिए, थैंक यू सर बात करने के लिए, धन्यवाद, थैंक यू।